तो कितनी गोल और अच्छे से गोल्डन ब्राउन पकी है हमारी बेड़मी। तो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डुबकी आलू के संग खाने वाली बेड़मी। तो आइए नाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे बनाने के लिए क्या किया, मैंने उड़द की दाल जो होती है वो ली है धुली हुई, अभी हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक थाली में निकाला है, इसे अच्छे से पीस लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इस पर जो गेहूँ का आटा होता है वो एक बड़ी कटोरी डाल देंगे, फिर जो हमारा मैदा होता है वो एक बड़ी कटोरी डाल देंगे, और फिर इसके ऊपर जो जीरा होता है वो हम छिड़क देंगे, थोड़ा सा जीरा, करीब एक बड़ी चम्मच जीरा। अभी हम इसमें पानी डालेंगे लेना और इसे अच्छे से मार लेंगे। अच्छे से मैंने इसे मार लेंगे, इसे पूरा मिला लेंगे तीनों चारों चीज़ों को। तो भी क्या होता है, मैं तेल डालना पहले भूल गया था। आप है ना, पानी डालने से पहले तेल डालना, फिर थोड़ा सा पानी डालने, तेल डालने से मिला लेना, फिर पानी डाल देना। यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने रख दिया है, तब तक जो हमने आटा मारा है हमारा, उसके हम क्या करेंगे, हमारी जो बेड़मी है वो बना लेंगे। तो सानने के लिए मैंने एक लोई बना ली थी, अब से 2 से 4-5 बार हम अच्छे से बेल देंगे, थोड़ा 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 थोड़ा। ज़्यादा रोटी जितनी बड़ी बनानी है, पूरी होती ना, पूरी जितनी साइज़ से बनानी है या पूरी से भी कम साइज़ बना सकते हो। तो एक बन चुकी है हमारी, अब यहाँ पर मैं दूसरी बना रहा हूँ। अब देखो, थोड़ा सा ऐसे बेल लिया, थोड़ा यहाँ से बेल लिया, थोड़ा ऐसे बेल लिया। फिर आप इसे थोड़ा सा तेल लगा लेना, इससे चुपकेगी नहीं है, और थोड़ी दाल ना इसे थोड़ा कम चुपकेगी है। अभी इसे भी अच्छे से कर लेते हैं, और ये भी हमारी बनके अच्छे से तैयार हो गई है, और तीसरी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, हमारा जो तेल था उसे गर्म हो चुका था, तो यहाँ पर मैं अपनी बेड़मी है वो डाल दूंगा, उसे अच्छे से तलने देंगे। आपको ना क्या करना है, इससे सबको अलग अलग कर देना, चार डाल देना एक साथ, तो कहना ये ना कभी का फूलती नहीं चारों के साथ, तो उनसे अलग अलग कर देना। और अभी क्या, अच्छे से फूल जाएगी ना, और इसे गोल्डन ब्राउन जो है फूल जाए, फिर हम इसे निकालेंगे। तो मैं देख सकते हो हमारी फूल गई है, और नीचे से गोल्डन ब्राउन भी हो गई है, ये पकना चालू हो गई है, बस एक साइड से हमें पकानी है, और ये पक के तैयार हो जाएगी। तो इसे पकने रख देते हैं। तो जो मित्र हमारी बेड़मी थी वो अच्छे से तल के पक चुकी है। अब यह करेंगे इसे सारा तेल निकाल के इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं इसको। आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट क्या है, मेरा पसंदीदा पार्ट, जब ये सर गोल गोल फूले ना, मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे, मैं उससे सेटिस्फाइड हो जाता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोबारा से मैं तल दिया, आप देखो कैसे गोल गोल फूलेगी ये। अभी अभी देखो इनको अलग कर दूँ, फिर देखो ये देखो देखो कैसे फूलना चालू हो गई है, इसे देख के अलग ही मज़ा आता है। तो यार इसको भी पकने देते हैं हमारी। और अगर आपको हमारी डुबकी आलू की देखने, जो सी सब्जी के साथ खाया जाता है जिसे बोलते हैं डुबकी आलू, वाली वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी डली हुई है, और साथ में क्या करूँगा, इसे कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, पिन कर दूँगा कमेंट पे, और क्या है ना, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो की लिंक डाल दूँगा, तो आप देख लेना, आप दोनों को देखना, फिर बनाना साथ में आपको, बहुत टेस्टी बनते हैं, मैंने बहुत मज़ा आया इसको खा के मुझे। तो आप भी इसको बनाना, देखने के लिए धन्यवाद।